ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कोई भी अपडेट मिस ना करें। हेलो गाइस, मैं सोलंकी सिल आपका लॉजिकल ब्रोस में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन की नई एक ट्रिक लाया हूँ, जिससे आप सेम ऐप मल्टी विंडो में ओपन कर सकते हो। ये एक नौगट का फीचर है कि आप सेम ऐप मल्टी मोड में नहीं ओपन कर सकते हो, बल्कि नॉर्मल मोड आप सिंपली इसे ओपन कर सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो मैंने दोनों ऐप ओपन किए मल्टी मोड में, पर सेम ऐप ओपन नहीं कर सकते। तो इस टेक्निक से मैं दिखाऊंगा कैसे आप सेम ऐप दोनों विंडो पर ओपन कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिए। Here we go. तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और वहां पर सर्च करना होगा पैरेलल। तो फर्स्ट ही है, आपको सिंपली से डाउनलोड करना है और ओपन करना है। इसके बाद कंटिन्यू कीजिए और यहाँ से दोनों परमिशन आप दे दीजिए। दोनों की परमिशन देने के बाद ये मीडियम पे ही रहती है और आपको सिंपली करना ये होगा कि एक ऐप ओपन कीजिए और इसे मल्टी विंडो मोड पे रख दीजिए। आप देख सकते हो कि ये दोनों अभी अलग अलग ऐप है। अब मैं व्हाट्सएप को एक दूसरा मल्टी विंडो में करूँगा, तो इसके लिए मैं एक यहाँ से थिकनेस बार जो आपको दिख रहा है इसको मैं यहाँ से स्वाइप अप करूँगा और बाद में यहाँ से ऐप सिलेक्ट करूँगा ऊपर के ऐप से और यहाँ से मैं व्हाट्सएप भी सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस ये ओपन करना है और यहाँ से ये ओपन करना है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही विंडो में सेम ऐप ओपन हो चुकी है बिना कोई एरर के। एप्लीकेशन के द्वारा आप सेम ऐप दो विंडो में ओपन कर सकते हो। तो शुक्रिया आज का ये वीडियो देखने के लिए। हम आगे और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल logicalbros.com और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।